हेलो एवरीवन, आई एम सुप्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस कि आप सभी बिल्कुल ठीक हो। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एंड न्यूड मेकअप लुक। आई होप कि आपको ये मेकअप लुक पसंद आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट मी गाइस। एंड अगर आप रील्स देखने में इंटरेस्टेड हो सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सबसे पहले मैंने अपने पूरे फेस को क्लीन कर लिया है एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का टोनर। इसे अच्छे से अप्लाई करके आप 5 मिनट के लिए छोड़ दो, 5 मिनट के लिए नहीं, आप 1-2 मिनट के लिए छोड़ सकते हो ताकि आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्स लाइट मॉइस्चराइज़र एंड इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी मसाज करते हुए। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो आपको थोड़ी मेरी आवाज़ बदली सी लग रही होगी। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया है एफसी का प्राइमर एंड अपने टी जोन को ज़्यादा फोकस करते हुए मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। थोड़े से मेरे डार्क सर्कल्स एंड पिंपल्स के स्पॉट्स हैं तो इन्हें हाइड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक कंसीलर पैलेट से। लाइट पिंक शेड है एंड मैं इसे ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी अपने आईलिड पे एंड अंडर आइज पे। मुझे जहाँ जहाँ लाइक डार्कनेस दिखेगा मैं वहाँ अप्लाई कर लूँगी एंड इसे फिंगर की हेल्प से भी मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगी। डिफरेंस देख रहे हो आप? एंड मैं अपने फोरहेड पे भी थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। अगर आपको स्पॉट्स या डार्क सर्कल नहीं है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो। एंड इन्हें सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ कॉम्पैक्ट लैक्मे 9 to 5 एंड इसे मैं ब्रश की हेल्प से मैंने जहाँ जहाँ लगाया था कंसीलर उसे मैं सेट कर लूँगी ताकि ये फाउंडेशन के लाइक फाउंडेशन में मिक्स ना हो। ओके, अच्छे से सेट करने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का फाउंडेशन जो कि बहुत ही अफोर्डेबल में एंड आई थिंक कि बहुत लोगों के पास होगा ये वाला फाउंडेशन। एंड मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी डैब डैब करके। एंड अगेन मैं उसी कंसीलर पैलेट से अपने लाइक फेस को हाईलाइट करने के लिए अप्लाई करूँगी एक लाइट सा शेड एंड अपने आईलिड पे एंड अंडर आइज पे। मुझे जहाँ जहाँ ज़रूरत है लाइक हाईलाइट करने की अपने फेस को मैं वहाँ वहाँ अप्लाई कर लूँगी। इस कंसीलर को ना आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से नहीं ब्लेंड कर सकते हो, लाइक अच्छे से होता नहीं है, बहुत टाइम लेता है, इसलिए मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ। मैं ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेकअप से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हो या फिर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई मेकअप लुक करूँ सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का लूज पाउडर। कुछ ज़्यादा ही लग गया मेरे इस वाले आईज पे, बट ठीक है, मैं उसे रिमूव करूँ। अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी। अपने और ईयर को मत भूलिएगा, फाउंडेशन भी लगाइएगा एंड उन्हें सेट भी कीजिएगा। ओके, सो मैं जितने भी एक्स्ट्रा लाइक एक्सेस पाउडर लगे हुए थे मैं उसे रिमूव कर रही हूँ। हल्के हाथों से करना है, बहुत ही हल्के हाथों से, ताकि वो लाइक ख़राब ना हो। एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की मेकअप फिक्सचर एंड अपने फेस पर उसे अच्छे से स्प्रे करके लाइक अप्लाई करके उसे छोड़ दूँगी ताकि वो ड्राई हो जाए अच्छे से। आईब्रो को फिल करने के लिए मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन का आईब्रो डिफाइनर एंड मैं अपने आईब्रो को अच्छे से फिल कर रही हूँ। अगर आपकी आईब्रो लाइक अगर आप आईब्रो नहीं बनवाते हो, शेप में नहीं रहते हैं सो आप पाउडर जो पैलेट आते हैं ना आईब्रो पैलेट, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ आईशैडो पैलेट से एक डार्क ब्राउन शेड एंड छोटू से ब्रश की हेल्प से मैं अपने लाइक क्रीज पे एक लाइन क्रिएट करूँगी कट क्रीज के जैसा एंड बहुत ही
इजली हो जाएगा ये आई मेकअप लुक, दिखने में बहुत ही ज़्यादा लाइक लगेगा कि कितना सारा इसमें टाइम लगा होगा या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है गाइज, बहुत ही इजली हो जाने वाला आई मेकअप लुक है। एंड आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। एंड मैंने लाइक एक आउटर वी पे एक वी क्रिएट किया है, एक आउटर वी पे सॉरी मतलब अपने आउटर वी पे वी क्रिएट किया है। एंड उसी ब्रश की हेल्प से ना लाइक मैं अच्छे से वहाँ पे लाइक अप्लाई कर रही हूँ, आप देख रहे हो। एंड उसी पैलेट से मैं एक लाइट ब्राउन शेड लेके एंड ब्लेंडिंग ब्रश है ये आई सेडो ब्लेंडिंग ब्रश, मैं लेके मैं उसे ब्लेंड कर लूँगी। आपने देखा होगा कि मैंने जब ये डार्क ब्राउन शेड अप्लाई किया था तो मैंने कोई भी ब्लेंडिंग नहीं की थी, सिर्फ मैंने ऐसे ही अप्लाई कर लिया था, लाइन ड्रॉ कर दिया था। तो उसे ब्लेंड करने के लिए मैं एक लाइट ब्राउन शेड लेके एंड उसे ब्लेंड कर लूँगी। एंड अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद अब मैं अपने लोअर लैस लाइन पे भी यही वाला अप्लाई करूँगी। एक बात और गाइस, अगर आप आई मेकअप लुक कर रहे हो तो आप लाइक हैवी कर रहे हो या फिर लाइट कर रहे हो तो आप मिला के करो कि दोनों आईज़ में सेम हो। ये नहीं कि एक में आपने ज़्यादा लगा दिया कलर या फिर कुछ भी और एक में कम, ऐसा नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, वो अच्छा नहीं लगता है। एंड मैं अपनी लोअर लैस लाइन में भी वही डार्क ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ। एंड अगेन मैं उसी आई शेडो पैलेट से एक सिमरी शेड लेके ये आई थिंक कि कौन सा कलर है कहेंगे इसे, आई थिंक ऑफ वाइट है। एंड इसे मैं अपने हाफ आई लेट पर अप्लाई करूँगी अपने फिंगर की हेल्प से ही। आपको थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है अपने फिंगर में एंड देन आपको अप्लाई कर लेना है अपने आई लेट पर, बहुत ही ईजली हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि आपको ज़्यादा नहीं लेना है, पहले थोड़ा सा लीजिए एंड अपने आई लिड पर अप्लाई कीजिए। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ लिक्विड आई लाइनर मेवलिन की। एंड आज मैं कोई विंग नहीं क्रिएट करूँगी, एंड अब मैं मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा। अगर आप फेक आई लेसेस अप्लाई कर रहे हो तो आप मस्कारा एक बार भी यूज़ कर सकते हो एक कोट, एंड अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप लाइक अपने मस्कारा को दो तीन कोट अप्लाई कर लो। देन मैंने यूज़ किया था हुडा ब्यूटी का फेक वाला आई लेसेस, एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक काजल परसोनी का है ये। एंड अपने लोअर वाटर लाइन में इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अब कंटूरिंग के लिए मैंने यूज़ किया है अगेन उसी पैलेट से ब्राउन शेड, एंड अपने फेस को अच्छे से कंटूर कर लूँगी मैं। कोई ज़रूरी नहीं है गाइस कि आपके पास मेकअप का सारा सामान रहेगा तभी आप मेकअप कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो कुछ लाइक ऐसे कॉमन से चीज़ होते हैं जो कि आप रखोगे या आपके पास है तो आप इजली अपना मेकअप लुक कर सकते हो। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय चैनल। एंड हाँ, अगर आपको इस मेकअप लुक में थोड़ा सा भी कोई डाउट है या फिर मुझसे ही कोई मिस्टेक हुआ है तो आप मुझे बताओ, ओके? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मुझसे कोई मिस्टेक हुई है या फिर आपको कोई भी मेकअप लुक चाहिए या फिर इस मेकअप लुक में आपको कोई डाउट है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दूँ। अगर आपको ये पसंद आता है ना वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से कंटूरिंग हो गई है। एंड ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी एक लाइट ऑरेंज एंड पिंक शेड है, दोनों को मिक्स करके मैं लाइट पिंक एंड दोनों को मिक्स करके मैं अपने ब्लश को अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आएगा, आप देखना, है ना अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइज। मेरे पास इस शेड का कोई भी ब्लशर जो सिंगल वाले आते हैं ना वैसे में नहीं था, बट मैंने जब ये यूज़ किया ना तो मैंने सोचा कि
मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगी या फिर कभी भी बनाऊंगी तो मैं इसे यूज़ ज़रूर करूंगी। एंड बहुत ही ईजिली ब्लेंड भी हो जा रहा था एंड पिगमेंटेड तो बहुत ही था। आपको मेरा आई मेकअप लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड नोज़ पे एंड चिन पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी, ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा। एंड देन मैं उसी पैलेट से गोल्डन शेड लेके हाइलाइटिंग का लाइक हाईलाइट करूँगी अपने फेस को। बहुत ही अच्छा वाला लाइक अगर आपके पास कोई ऐसा आई शेडो पैलेट है जिसे आप यूज़ नहीं कर पाते हो या फिर आपको कंफ्यूजन रहता है कि आप क्या करोगे इतने सारे कलर्स के, तो आप डिफरेंट वे में भी इसे यूज़ कर सकते हो गाइस। ओके एंड प्लीज़ मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करो कि मैं रील्स भी बनाती हूँ, अगर आप रील देखने में इंटरेस्टेड हो सो फॉलो मी। मैं अपना हाइलाइटर अच्छे से अप्लाई करके एंड यस गाइज, आप इनर कॉर्नर में अगर नहीं लगाते हो हाइलाइटर तो उतना अच्छा लुक नहीं आता है आपके आई मेकअप का जितना कि आप लगा लेते हो। आप ट्राई करके देखना, एक आईज में आप लगाना लाइक इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर, एक में नहीं लगाना, एंड आप डिफरेंस देख सकते हो। एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ होडा ब्यूटी का न्यूड शेड लिपस्टिक, बहुत ही प्यारा शेड है ये। मैं इसे अपने लिप पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एंड देन गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये मेकअप लुक। अगर आपको पसंद आता है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आई होप गाइज कि आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपके लिए कौन सा मेकअप लुक लाऊं, तो मैंने सोचा कि मैं एक न्यूड मेकअप लुक क्रिएट कर लूं एंड उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कुछ है। तो ये है कि मैंने सिर्फ आई शैडो पैलेट से ही ये सारा लुक क्रिएट किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।